गुड मॉर्निंग टू ऑल, माई नेम इज समृता एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसे कि आपको आज का वीडियो का टाइटल समझ में आ गया कि वीडियो किस बारे में, बट फिर भी मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि होता है नहीं कहीं अर्जेंट जल्दी से जाना हो तो समझ में नहीं आता है क्या क्या लगा। जैसे फ्रेंड्स का कॉल आया, जल्दी जाना है, अगर मम्मा साथ मार्केट जाना है, मम्मी ने कह दिया मार्केट चलो, तो अचानक से जाना पड़ता है। और जैसे कि जो लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं उनके लिए, या जो टीनेजर्स गर्ल होती है कॉलेज वगैरह जाते हैं उनके लिए सिंपल ईजी और जो जल्दी से हो जाए वाला मेकअप लुक। तो ठीक है, अभी मैंने जैसे कि वो अभी अपने फेस पे लगाया हुआ है सब कुछ, और आप मेरे फेस पे देख सकते हैं ग्लो, मेरे फेस पे ग्लो देख सकते हो। मैंने ज़्यादा कुछ चीज़ें है ना, कंसीलर ना कुछ, ना प्राइमर, ना अपनी आईब्रोज, ना हाइलाइटर, इवन ये आप शाइन देख सकते हैं, मैंने हाइलाइटर तक अपने फेस पे नहीं लगाया। ये मेरा एक सीक्रेट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले मैं अपने बालों को पीछे कर लूँगी जिससे कि मेकअप मेरे बालों में ना लगे, और उसके बाद सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँगी। और मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जॉनसन बेबी मॉइस्चराइज़र। बस थोड़ा सा अपने हाथ में लेना है, रब करना है, और उसके बाद अपने फेस पे अच्छे से लगा लेना है। नेक पे लगाना मत भूलिएगा। उसके बाद मैं अपना फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, मेबलिन फिट मी फाउंडेशन। आप कोई बीबी या सीसी क्रीम भी यूज़ कर सकते हो अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग। मैं बस यहाँ पे बस थोड़ा सा ही लूँगी और हल्का हल्का अपने फेस पे लगा लूँगी। मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी बिकॉज मुझे लाइट मेकअप रखना है, हैवी नहीं देना है, इसीलिए मैं हल्का हल्का ही लगाऊंगी और अपने नेक पे भी लगा लूँगी जिससे कि हमारा फेस और नेक हमारा सेम लगे, अलग अलग ना लगे। आप कोई ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश भी यूज़ कर सकते हो उसको ब्लेंड करने के लिए, बट मुझे हाथ से ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो मैं अपने हाथ से ईजिली उसको ब्लेंड कर लेती हूँ। उसके बाद मैं वीएलसीसी का काजल यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने मन के अकॉर्डिंग कोई भी अपना काजल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अपनी आँखों के ऊपर जहाँ पे आईलाइनर लगाते हैं वहाँ पे हल्का नहीं, मतलब कि रफली आपको काजल लगाना है, मोटा सा रफली काजल लगाना है, कोई प्रॉपर लाइन नहीं देनी है, प्रॉपरली नहीं लगाना है, रफली लगाना है और उसको स्मज करना है। आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। सेम ऐसे ही मैं अपनी दूसरी आईज में भी कर लूंगी, रफली लगाना है और मोटा मोटा लगाना है। बट ये नहीं है कि बिल्कुल फैला के लगा दे, ऊपर नीचे कैसे भी लगा दे, अच्छे से ही लगाना है। ये नहीं कि बाहर उधर जा रहा है उधर जा रहा है। उसके बाद मैं काजल अपनी लोअर लैश लाइन में भी लगा लूँगी अच्छे से। उसके बाद मैं अपना स्विस ब्यूटी की आईशैडो पैलेट लेके अपना ये शेड से जहाँ मैंने स्मच किया था अपने काजल से उसके जस्ट ऊपर हल्का सा लगा लूँगी जिससे कि न्यूट लुक लगे। ये हमारा हाफ स्मोकी आईज रहेगा। मैं ज़्यादा डार्क नहीं लगाऊंगी, मुझे लाइट रखना है, इसलिए मुझे नेचुरल लगना है इसलिए मैं लाइट रखूंगी। उसके बाद मैं अपनी मेबलिन की लिपस्टिक ले रही हूँ। वैसे तो मुझे ब्लशर यूज़ करना बहुत पसंद है, बट मुझे ब्लशर्स के टोन नहीं, मतलब शेड नहीं पसंद है बिकॉज वो पिंकी पिंक होता है और उसका लाइक क्या कहते हैं शेड अच्छा नहीं होता, बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगता है। इसीलिए मैं लिपस्टिक ले रही हूँ और उसको एज अ ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। मैं अपने चीक्स पे, नोज़ पे और चिन पे अच्छे से लाइक हल्का हल्का लगा लूँगी जिससे कि नेचुरल लगे। मुझे एक्चुअली ब्लशर यूज़ करना बहुत पसंद है। उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, बिल्कुल भी ऐसा अननेचुरल ना लगे। उसके बाद वही सेम लिपस्टिक से मैं अपना लिप्स पे भी यूज़ करूंगी लिपस्टिक के लिए।
मैं बस एक ही स्ट्रोक लगाऊंगी जिससे कि मेरा डार्क ना लगे, लाइट रहे। और अब बारी आती है मेरी सीक्रेट की, जो मैं अपने ग्लोइंग स्किन के लिए यूज़ करती हूँ। मैं बस थोड़ा सा वैसलीन लेके अपनी चीक बोन पे लगा दूंगी दोनों साइड से। आप ग्लो तुरंत देख सकते हैं मेरे फेस पे। अपनी नोज़ की टिप पे लगाऊंगी, ब्रिज पे लगाऊंगी और चिन पे लगाऊंगी। इन शॉर्ट जहाँ जहाँ पे हाइलाइटर लगाना होता है वहाँ वहाँ पे मैं वैसलीन लगाऊंगी जिससे कि थोड़ा शाइन आए, ग्लो करे मेरा फेस। और ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरीके से जिससे कि वो नाच। है आप मेरा फेस देख सकते हैं, मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है साइड्स वगैरह से, नेचुरल लग रहा है, कोई हैवी नहीं है। आप इसको डेली यूज़ कर सकते हो, कहीं भी जाना है और उसके बाद ऑफिस वगैरह, टीनेजर्स वगैरह, हर कोई बंदा इसको ईजिली यूज़ कर सकता है। कुछ मेहनत नहीं है, बिकॉज मेरे को भी मेहनत करना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं ईजी चीज़ें ढूंढती हूँ। अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।